वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड केमिस्ट्री का सिलेबस और मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर एलटी ग्रेड प्रिपरेशन। एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जब भी आए तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हम लोग तैयारी शुरू करें। यह हमें पता है कि बहुत जल्दी ही इस एग्जामिनेशन से हमारा हम सबका सामना होना है, तो क्यों ना हम अच्छी तैयारी के साथ जाएं। अगर हमारे सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब एक क्वेश्चन पे अगर आपको सही होने पर एक नंबर मिल रहा है और गलत होने पर 0.33 मार्क्स कट रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी को बहुत ही एक्यूरेट करना होगा, एक्यूरेसी होनी होगी। और मैं आप सबको इस बात के लिए आज बताने के लिए यहां पर इस स्टेज से मैं ये बताना चाहता हूं अपने ऑनलाइन इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, हम लोग अगर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के पाठ्यक्रम को देखें तो एलटी ग्रेड की तैयारी का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है। अलग क्या है वो सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे हम बताएंगे आपको कि कैसे इसकी तैयारी की पूरी स्ट्रेटजी, सिलेबस और पाठ्यक्रम अलग है। सबसे पहले तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं केमिस्ट्री में जो पोर्शन सबसे अधिक इस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में सारे लॉजिकल पॉइंट्स को रखे गए हैं। आज मैं आपको एक विशेष बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको स्मार्ट वे में तैयारी करनी होगी। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ के इस एग्जामिनेशन में आप अच्छा नहीं कर सकते। स्मार्ट वे में तैयारी करने का क्या मीनिंग है वो मैं आपको हर लेक्चर के दौरान बताता रहूंगा, जिसमें आपको खुद से रियलाइज हो कि ये है स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करने का तरीका। फर्स्ट चैप्टर अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, यहां सिलेबस में सबसे ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, पढ़ने का एक सिस्टमेटिक क्रम होता है। हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके में अगर पढ़ाई करें तभी अच्छा कर सकते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में दो तरह के इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट वो होता है जो रिएजेंट के रिक्वायरमेंट पे ऑपरेट हो। रिएजेंट के रिक्वायरमेंट पे ऑपरेट होने वाले इस टेम्पररी इफेक्ट को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और परमानेंट इफेक्ट दो तरह के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप को जोड़ दिया जाए और उस मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हो तो इंडक्टिव इफेक्ट है, और सिग्मा बॉन्ड के अलावा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के प्लस माइनस लोन पेयर फ्री रेडिकल ये सब ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेटिंग इफेक्ट में दो तरह के इफेक्ट हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम मेजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो यहां मॉलिक्यूल और ग्रुप के बीच में पाई पाई और पाई पी कॉन्जुगेशन चाहिए, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो सिग्मा पाई और सिग्मा पी कॉन्जुगेशन चाहिए। यानी इस तरीके से हम लोग को सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग इफेक्ट, फिर मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे पढ़ने हैं। इट इज बेसिक्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ प्रोसीड करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म, जब कोई भी आप रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास एक रिएक्टेंट है, रिएजेंट से रिएक्शन करा, हो सकता है कि सीधे आपको प्रोडक्ट मिल जाए, और यह भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट पहले रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाए और तब प्रोडक्ट बन जाए। यह भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट की रिएक्शन के लिए किसी सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़े। तो जब रिएक्शन की मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हमें रिएजेंट के बारे में जानना है। रिएक्टेंट तो आप लेते हो अपने पास से, अब जो आप रिएजेंट डाल रहे हो वो रिएजेंट कैसा है? वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? इसके बारे में आपको सीखना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानना है। फिर अगर आप सॉल्वेंट वहां यूज कर रहे हो रिएजेंट में, तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? हम देखते हैं किसी रिएजेंट को कैसे पहचाने कि इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, और इसके बाद सॉल्वेंट को देखते ही पहचान जाए कि यह सॉल्वेंट यहां के लिए सुटेबल है कि नहीं। अगर इस सॉल्वेंट की तुलना में कोई और सॉल्वेंट यहां पर दे दिया जाए तो व्हाट विल बी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, व्हाट विल बी रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, ये अगला पॉइंट होता है
सबसे पहले किसी भी सॉल्वेंट को देख के हम समझ जाएं कि सॉल्वेंट का क्या रोल है, ये कब रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, कब रिएक्टिविटी घटाएगा, ये समझना। अगर उस रिएक्शन में कोई मध्यावर्ती बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, अगर उस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है या बेंजाइन है, तो उन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को देखने के क्या पैरामीटर हैं, और यहां पर हम लोग ये सारे इफेक्ट्स को अप्लाई करके इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को देख लिया करते हैं। यहां पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला रिएक्शन मैकेनिज्म में हम आते हैं। यहां पर इसको SN1 और SN2 लिखना था, इसको E1 और E2 लिखना था। SN1 S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, SN2 बाईमोलिकुलर, 2 फॉर बाईमोलिकुलर, E फॉर एलिमिनेशन। तो SN1 SN2 E1 और E2 जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन चैप्टर्स में हो रहा है, हैलोकेन में, अल्कोहल में, ईथर में, उन चैप्टर्स में रिएक्शन के मैकेनिज्म करने की कंडीशन क्या है। जैसे आपने हैलोकेन के साथ NaOH लिया तो सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हैलोकेन के साथ लेने पर सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। हमें यह समझना है ऐसी क्या कंडीशन हम कर दें कि ये मैकेनिज्म SN1 में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी क्या कंडीशन कर दें SN2 में हो जाए, ऐसा क्या चेंज करेगी E1 हो जाए, क्या चेंज करेगी E2 हो जाए। मैकेनिज्म के कंडीशन को समझना है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, फिर पढ़ना है एल्काइन में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, फिर फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड कीटोन में, यानी आपको हैलोएल्केन के रिएक्शन, अल्कोहल के रिएक्शन, ईथर के रिएक्शन, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। फिर एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंतर्गत पढ़ना है, फिर आपको एल्कीन एल्काइन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंतर्गत पढ़ना है, और बेंजीन वाले कंपाउंड एल्किल बेंजीन, हेलोएरीन, फिनॉल, एनिलीन, इनके रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंतर्गत पढ़ना है। यानी कुल मिलाके है ना, चैप्टर वन एल्केन से लेकर के आखिरी एनिलीन तक जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबके आने वाले क्वेश्चंस की मैकेनिज्म को यहां क्लियर करना है। विदाउट बेसिक मैकेनिज्म रिएक्शन को लर्न करना मुश्किल है, तो यह हमें सीखना है। और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की आप बात करते हैं, तो अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मेथिल जोड़ दें, सीएल जोड़ दें, तो मेथिल और सीएल को जोड़ने पर, मेथिल और सीएल के प्रेजेंस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आता है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ना चाहिए, वो यहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ओरिएंटेशन इफेक्ट यहां पढ़ना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल मैकेनिज्म, परकिन रिएक्शन, कैनिजारो मैकेनिज्म, बेंजोइन कंडेंसेशन, रिमर्टिमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमीन रिएक्शन, ब्रोमाइड रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन, माइकल एडिशन, है ना, जो टीजीटी में बिल्कुल नहीं है, पीजीटी में है और एलटी ग्रेड में है। तो यहां कुछ सिलेबस पीजीटी ग्रेड का है और कुछ सिलेबस टीजीटी ग्रेड का है, लेकिन अप्रोच जो टीजीटी की तैयारी है उससे ज्यादा बेहतर है। बनने वाले क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा डेप्थ में जाके लिया गया है, इसलिए यहां ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ाई करके एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमें पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है, पॉली कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं, उनके पॉलीमर्स के बारे में नहीं पढ़ने, तो इनमें आपको पढ़ना है म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे ग्लूकोज का करेंगे, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, याद करने का क्या तरीका है, और इसके बाद आपको सारे तरह के पॉलीमर्स, स्पेशली नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर जो अपने क्लास 11th और 12th के सिलेबस में होते हैं, उनको लर्न करना है। उनको लर्न करने की ट्रिक है, टेक्निक है, उस टेक्निक हम लोग शेयर करेंगे इस क्लास में। अब आइसोमेरिज्म, सिलेबस बनाने वाले ने थोड़ी सी यहां पे
टाइप करने वाले नहीं, यू कहिए, या ये सिलेबस जो अपने आयोग की तरफ से हम लोग को मिला है उसमें थोड़ी सी एक क्रम ऊपर नीचे हो गया है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को आइसोमेरिज्म पहले चाहिए, आइसोमेरिज्म पहले चाहिए, आइसोमेरिज्म पहले चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उस मैकेनिज्म में बनने वाले प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं, और प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करना मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जानना। तो दैट्स वाई पहले आइसोमेरिज्म पढ़ना होगा हम लोग को, फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ना होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी होगी, फिशर रूल पढ़ना होगा, फिशर कैलकुलेशन सीखना हम लोग को पॉलीइंस के लिए, आईआर स्पेक्ट्रा सीखनी हम लोग को, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और काफी क्वेश्चन कंटेन करता है एलटी ग्रेड में। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात की शुरुआत एटमिक स्ट्रक्चर से हो रहा है, ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक का कॉमन टॉपिक है, और यहां पर बेसिकली जो बनने वाले क्वेश्चन है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से बन रहा है। अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड बोर स्पेक्ट्रम वगैरह पे समय देने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आना है, जहां पर एटमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, एक्सेप्शंस क्या हैं, आयनस एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सबका ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, और सारे एक्सेप्शंस क्या होंगे, वो हम लोग को ग्राफिकली पढ़ना होगा, ग्राफिकली पढ़ना होगा। उसका एप्लीकेशन करना है हाइड्रेशन एनर्जी में, उसका एप्लीकेशन करना है लैटिस एनर्जी में, और आयनिक कंपाउंड उसके स्ट्रक्चर शेप मतलब पूरा बॉन्डिंग वाला जो सेक्शन है वो यहां पे देखना है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने हम लोग को, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्डिंग पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमिनक्लेचर पढ़ना है, हर तरह के लिगेंड्स को पहचानना, कौन मोनोडेंटेट है, कौन बाइडेंटेट है, कौन पॉलीडेंटेट है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी उसको समझना है, बायोलॉजिकली क्या एप्लीकेशन है उसका ये जानना है, फिर हम लोग को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स चैप्टर के नाम से जो चैप्टर होता है क्लास 11th में, उसे सीखना है, और वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना है। रेडियो एक्टिविटी जाननी है, हालांकि रेडियो एक्टिविटी केमिकल काइनेटिक्स के बाद पढ़ने वाला टॉपिक है, तो पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, उससे फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रेडियो एक्टिविटी को कोरिलेट करेंगे, तो ये अपना अगला टॉपिक होता है। फिर इसमें कैटलिस्ट, उसके एग्जांपल्स, उसका एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक्स जो कि केमिस्ट्री का बहुत कॉमन टॉपिक हुआ करता है क्लास 11th में, लेकिन यहां केमिस्ट्री में कुछ खास तरह के एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम का एप्लीकेशन होता है जो फिजिक्स में नहीं है, तो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉज को पढ़ने के बाद हम लोग एंथैल्पी सीखते हैं, सीपी और सीवी की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज पर डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज पर डिपेंड ना करे, उनकी प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन के रूल से शुरू करते हुए केपी और केसी में रिलेशन, और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में केसी और केपी कैलकुलेट करना, ये सीखना हम लोग को, और ये है आपका लास्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम, और यहां पर पीएच कैलकुलेशन, सॉल्ट के बारे में जानकारी, वीक एसिड का पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच, वीक बेस का पीएच, ये सब सीखते हैं हम लोग, और लास्ट में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मैं आपको क्लियरली बता दूं, एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन को अच्छा करने के लिए आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत थ्योरेटिकल है वो सिलेबस में नहीं रखा गया है, एक्सेप्ट पॉलीमर, सारी बातें कॉन्सेप्चुअल ही दी गई हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक के रटने वाले रिएक्शंस नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस वही पूछे जाने हैं जो मैकेनिज्म बेस्ड हैं, मतलब जहां पे लॉजिक्स हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में उन्हीं चैप्टर्स को लिए गए हैं जहां पर क्वेश्चंस की बहुत लिमिटेशन है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट जैसे चैप्टर को, स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे चैप्टर को जहां बहुत सारा समय दे सकते थे, सोल्यूशन जैसे चैप्टर में बहुत समय दे सकते थे, उनको हटा के रखा गया है ताकि आप ज्यादातर चैप्टर्स में यूज होने वाले टॉपिक्स को पढ़ें, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, जैसे इक्विलिब्रियम, हर चैप्टर में
यूज करते रहते हैं हम लोग, ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इन चैप्टर्स को रखा गया है। तो ये है आपका बेसिक मिनिमम सिलेबस। मैं आप सब लोगों से एक आश्वासन चाहता हूं कि अगर हम एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देना है और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की एबिलिटी के साथ तैयारी में उतरना है। क्योंकि हम लोग यहां टारगेट ऑन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटेड टीम के साथ जो वर्क कर रहे हैं, ये केवल और केवल सब्जेक्ट को समझने और सीखने के लिए नहीं, उसके पीछे जो हम सबका उद्देश्य है वो है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। और वो तभी होगा जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, सकारात्मक सोच, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आपके और मेरे मन में बस एक ही बात रहे, इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब, इससे बनने वाले सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के सॉल्व हो जाएं। केवल टॉपिक का इंटरेस्टिंग लगना, केवल टॉपिक का मनोरंजक होना ही हमारे पढ़ने का कारण नहीं होना है। हमारे पढ़ने का मुख्य कारण है कैसे हम इस टॉपिक को पढ़ें, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे कि हम अधिकतम नंबर स्कोर करें कम समय देकर के, मेहनत कम करना पड़े। मतलब कौन सा ट्रिकी और मैजिकल अप्रोच अपनाएं कि हम समय भले कम दें लेकिन ज्यादा एरिया कवर कर ले जाएं कम टाइम में। ऐसी कौन सी प्लानिंग हम बनाएं कि लास्ट टाइम रिवीजन करना कम पड़े, मतलब इतना कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर रहें, हमें बहुत सारा रटना ना पड़े। जब हम बहुत सारी बातें याद करते हैं तो हमारी मेमोरी से बातें जब एस्केप होती है तो बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कैसे प्लानिंग करें, कैसे पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होनी चाहिए कि लास्ट टाइम रिवीजन का वक्त हमें कम देना पड़े। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज है जहां पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो यह भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे कॉन्सेप्ट में एक्यूरेसी हो, जो हम जानते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ऐसा ना हो कि सही बात के करीब पहुंच के हम खुश हों, ऐसा हो कि जो हमने आंसर लगाया उसके अलावा और कुछ हमें सोचने की आवश्यकता ना पड़े, प्रश्न को आने पर किसी भी लेवल का कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो ये तैयारी के अपने पैमाने हैं, इनको ध्यान देना है, क्योंकि जब हम परीक्षा देते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे प्रतिभागी होते हैं और उन सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है और हमें उन सबसे अच्छा करना होता है या उनमें अच्छा करने वाले अभ्यर्थियों के बीच में शामिल होना होता है। तो किसी खास स्ट्रैटजी के थ्रू, किसी खास स्ट्रैटजी को प्लान करके हमें इस तैयारी में आना चाहिए। तो आज से हम सब लोग अब पीजीटी और एलटी और पीजीटी जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें स्पेशली आज एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए संकल्पित होकर के पूर्ण समर्पण के साथ तैयारी को स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे सारे अभ्यर्थियों को आमंत्रित करता हूं अपने इस चैनल पे, टारगेट ऑन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग केमिस्ट्री की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए वचनबद्ध हैं। हमारा कमिटमेंट है प्रिपरेशन को सर्वोत्तम करना। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज की टॉपिक हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग समन्वय यौगिक के नाम से जानते हैं, यहां से बातचीत शुरू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक समन्वय यौगिक।
देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समन्वय यौगिक की हम बात करें तो इस यौगिक में सबसे पहले हम बातचीत करें इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड की और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एलम की, ये K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O है। इन दोनों एग्जांपल को ध्यान से समझते हैं। देखिए जब इस कंपाउंड को, ये जो एलम हमने लिया है, फिटकरी जो ली है, इस फिटकरी को जब मैंने पानी में डाला, जब वाटर में डाल दिया, तो वाटर में डालने पर पोटेशियम आयन अलग हो गया, सल्फेट आयन अलग हो गया, एल्यूमिनियम आयन अलग हो गया, सारे आयन अलग अलग हो गए। पानी में डालने पर सभी आयन अलग अलग हो गए, पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम अलग, सारे आयन अलग अलग हो गए। और इन सारे आयन का अलग अलग होना इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को खत्म कर दे रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व करने पर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खत्म कर दे, प्रॉपर्टी खत्म कर देना मतलब, इसके पहले जो एलम की प्रॉपर्टी थी पानी में डालने पर सब आयंस की प्रॉपर्टी आ गई उसमें अलग अलग, तो जो प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ऐसे कंपाउंड को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं, हिंदी में द्विलवण बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद यह पोटेशियम आयन अलग हो गया और यह फेरोसाइनाइड वैसे ही जैसे पहले था अलग नहीं हो पाया। क्यों नहीं अलग हो पाया? क्योंकि Fe और CN में आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहां सबके बीच में आयनिक बॉन्ड था, यहां आयनिक बॉन्ड नहीं है, Fe और CN के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसह संयोजक बंध है। तो जब इसको मैंने पानी में डाला तो यह बॉन्ड अलग नहीं हुआ। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इस कंपाउंड के जो गुण है वो पहले भी फेरोसाइनाइड की वजह से थे, पोटेशियम की वजह से नहीं थे। पोटेशियम की जगह सोडियम भी कर देते तो इनके गुण वैसे ही होते। पानी में डालने के बाद अभी भी फेरोसाइनाइड बचा हुआ है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी अभी भी वैसे ही होगा, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच डू नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी आफ्टर डिजॉल्विंग इन वॉटर। पानी में डिजॉल्व करने के बाद जो अपने गुणों को नहीं खोते हैं, उनके गुण बने रहते हैं, उन्हीं को हम लोग समन्वय यौगिक कहते हैं, और जो अपने गुणों को खत्म कर देते हैं उनको द्विलवण कहते हैं। ये यहां पे आपको समझना था। अब आगे बात करते हैं। अब यहां अगर मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को ले लूं तो Fe और CN के बीच के बारे में बातचीत होनी है। जब इन दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हम सब लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उपसह संयोजक बंध जो बनता है उसमें दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग करते हैं। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब भाई बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन लगता है, अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे तो इक्वल शेयरिंग है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे दे तो अनइक्वल शेयरिंग है। तो यहां पर बी ए की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां पर भी CN Fe को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाले को हम लोगों ने नाम रख दिया सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, और इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम लोग नाम रख दिया लिगेंड, हिंदी में भी लिगेंडी कहते हैं। अब एक Fe को 6-6 CN ने इलेक्ट्रॉन दिया और यहां पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे ये छोटा सा जो ब्रैकेट है
ये यहां पर छोटा सा जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये बड़े वाले ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। छोटे वाले ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बड़े वाले ब्रैकेट को बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है इसकी बात हो गई। अब जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है वो लिगेंड से शुरू होता है। हमें कुछ भी नहीं पढ़ते जाना है, हमें अपने सिलेबस को फोकस करना है, लेकिन उसको समझने के लिए अगर कोई बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले लिगेंड से बातचीत शुरू करें। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ते समय आपका डेडिकेशन पूरी तरह से रहे। तो अब हम लोग जब लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड का अगर वर्गीकरण करें, लिगेंड के टाइप्स पता है कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड को क्लासिफाई करने के तीन तरीके होते हैं। लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड के पास कौन कौन से आवेश हैं उसके आधार पे उनको क्लासिफाई करना है। और आप सब लोग जानते हो आवेश तो दो ही होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक बिना चार्ज वाला न्यूट्रल होता है। इसको हिंदी में उदासीन कहते हैं, उसको हिंदी में उदासीन कहते हैं। तो या तो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा धनात्मक आवेश वाला, या तो नेगेटिव चार्ज वाला ऋणात्मक आवेश वाला, या फिर उदासीन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ये डेंटिसिटी क्या है इसको हिंदी में समझें। लिगेंड को एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए ऐसा आवश्यक नहीं है, दो बना सकता है, तीन बना सकता है, चार बना सकता है। तो अगर एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसको यूनिडेंटेट कहेंगे, दो बनाता है बाइडेंटेट, तीन बनाता है ट्राई, ऐसे ही है ना टेट्रा। तो लिगेंड की डेंटिसिटी का मतलब क्या है? लिगेंड की डेंटिसिटी का मतलब है एक लिगेंड के अंदर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी कितनी है, उसी को हम लोग डेंटिसिटी कहते हैं। तो अगर कोई लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिडेंटेट कह लेंगे। यूनिडेंटेट से क्या मतलब है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और ये बाइडेंटेट हो गया, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तीन बनाएगा ट्राइडेंटेट, इन सबको मिला के हम लोग कह सकते हैं पॉलीडेंटेट। भाई बाई ट्राई टेट्रा पेंटा जितना लिखना चाहें इन सबको हम कह सकते हैं पॉलीडेंटेट, कह सकते हैं। तो पहला काम तो यह है कि लिगेंड को देख के चार्ज पहचान लेना, जैसे यहां पे सीएन लिखा था उसको देख के चार्ज पहचान लेना। फिर दूसरा काम यह है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना नंबर में बनाते हैं वो देख लेना, यूनि बाई है ना ट्राई टेट्रा पेंटा। और तीसरा काम यह है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से क्या मतलब है आपका? जब लिगेंड सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाए, जब लिगेंड सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड कितना स्ट्रांग बन रहा है, जब लिगेंड सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड कितना स्ट्रांग बन रहा है। अगर बॉन्ड बनाने वाला एटम, जो बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर बनाने वाला एटम, अगर बॉन्ड बनाने वाला एटम कार्बन और नाइट्रोजन हो, हालांकि फास्फोरस भी होता है लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया है उसमें फास्फोरस वाले एग्जांपल कम हैं, तो अगर कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस हो तो ऐसे लिगेंड को स्ट्रांग लिगेंड कहते हैं, इनके द्वारा बनाया गया बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, स्ट्रांग लिगेंड जब सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाते हैं
तो सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं और वैसे हाइब्रिडेशन बदलना शुरू हो जाता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर बदलना शुरू हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम कौन है, पीसीएन पीसीएन फॉस्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, और वीक लिगेंड कौन है, अदर देन पीसीएन। पीसीएन को छोड़ के और कोई भी होगा तो लिगेंड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, लिगेंड को क्लासिफाई करा। पढ़ने का तरीका क्या होगा इस चैप्टर को आप समझें, एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस जितना है, मैं हर चैप्टर को पढ़ने का बेसिक प्रारूप आपको समझा दूंगा, इसी चैनल के माध्यम से आप तक मैं कंटेंट आप तक भेज दूंगा। लेकिन पूरे चैप्टर को कैसे डिटेल में पढ़ना है उसके लिए हमने स्पेशल एक कोर्स प्लान किया है एलटी ग्रेड के लिए, और जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको उस कोर्स में आमंत्रित करने के लिए हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे। क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ हजारों प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रतिस्पर्धा में हम पीछे छूट सकते हैं। हम चाहते हैं किसी भी लेवल पे क्वेश्चंस लगाने की बात हो, डाउट डिस्कशन की बात हो, रिएक्शंस को लर्न करने की बात हो, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन की बात हो, ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हो, बस ग्राफ देखा और सारी प्रॉपर्टीज रट गई उसी में सारे एक्सेप्शन आ गए, तो किसी भी लेवल पे अपनी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हमारी थोड़ी भी तैयारी में कमी रह गई तो कोई ना कोई हमसे आगे निकल सकता है। तो जब हम सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं तो तैयारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको किसी भी चैप्टर को तैयार करने के पीछे जो तरीका क्या है, कैसे उसको पढ़ते हैं, एक एक सिलेबस को, सिलेबस में हर लाइन जो लिखा हुआ है उस लाइन को कैसे एक्सप्लोर करके सीखना है, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, केवल पढ़ना नहीं है, कोई भी सवाल आए तो देखते ही हम बता दें, ये सब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसा कि सिलेबस में हमने देखा था यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड बड़े ध्यान से लिखा हुआ था, अब हम आपको सिखाएंगे कैसे कोई लिगेंड दिया हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिगेंड मेरे पास ये CN है, लिगेंड के रूप में मेरे पास SCN है ना, ये लिगेंड मेरे पास है, ये लोन पेयर है, तो कैसे हम लिगेंड को देख के पहचाने कि यूनिडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये बाइडेंटेट होता, अगर इसका माइनस और लोन पेयर दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता तो ऐसी कुछ साइकिल बन जाती, भाई ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये भी दे रहा है और ये तीन मेंबर की जो रिंग है वो स्टेबल नहीं है, ऐसी कुछ साइकिल बन जाती। भले इसमें चार मेंबर है बट ये है तो ट्रायंगुलर ही, और स्टेबल क्यों नहीं है तीन मेंबर की रिंग, क्योंकि इनके बीच का एंगल कम है। साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इज नॉट स्टेबल, साइक्लोप्रोपाइल इज लेस स्टेबल, क्योंकि बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब हैं, रिपल्सन करेंगे और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट यह है, बाइडेंटेड लिगेंड वही हो सकता है जो बॉन्ड बनाने के बाद कम से कम पांच मेंबर की साइकिल बनाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एथिलीन है, इस पर हमने डाई अमाइन लगा दिया, दो अमाइन लगा दिया, अब इसको जब हम इससे बॉन्ड बनवा रहे हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था दे दिया मैंने, इसके पास लोन पेयर था दे दिया मैंने, अब अगर बॉन्ड बनवा रहे हैं तो ये बॉन्ड में पांच मेंबर हो रहे हैं, एक दो तीन चार पांच मेंबर, ये स्टेबल रिंग है, फाइव मेंबर की रिंग स्टेबल होती है क्योंकि एंगल 108 डिग्री का होता है, तो ये स्टेबल रिंग है। अब ये बाइडेंटेड हो सकता है, ये एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कब, जब मिनिमम पांच मेंबर की रिंग हो। तो ऐसे लॉजिकली पढ़ना है कि किसी भी लिगेंड को देख के हम स्ट्रांग वीक पर बता दें। देखिए यहां इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, नाइट्रोजन,
अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा, अनपेयर्ड को पेयर करने से हो सकता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो जाए, हो सकता है अगर और कोई अनपेयर्ड नहीं है तो। ये देखिए ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका क्लासिफिकेशन चार्ज को बेस करके हो गया, इसका क्लासिफिकेशन डेंसिटी को देख के हो गया, इसका क्लासिफिकेशन स्ट्रांग और वीक को देख के हो गया। तो कोई भी लिगेंड आ जाए तो पहले हमें क्या करना है, स्ट्रांग और वीक देख के पहचानना है। और एक बार स्ट्रांग और वीक देख के हमने पहचान लिया तो फिर क्या करना है, आज मैं आपको चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे उसको पढ़ते हैं, इसकी बातचीत करूंगा। जब आप लिगेंड पहचान लेंगे तो फिर क्या करने वाले हैं आप करने वाले ये हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया हो तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह के ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लाइक FeCN6-4-, लाइक CuH2O4-2+, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक Ni(En)2+। तो सबसे पहला काम यह है, इसमें जो लिगेंड आपने CN लिया, वाटर लिया, EN लिया, इसमें कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, इसको पहचानना पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया, इस सेंट्रल एटम के पास कितना चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, क्या इसका ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यह निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, वर्नर थ्योरी से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बता देना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमिनक्लेचर कर देना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बता देना, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ईजी और टी2जी में भरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बता के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल देना। और अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहीं कोई बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, तो उनके पॉइंट्स को याद रखना कि कौन सा मेटल हीमोग्लोबिन में है और कौन सा क्लोरोफिल में है। ये आपका सिलेबस है, यहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना, सिलेबस में मेंशन नहीं है, मतलब हमें अपने सिलेबस को कंप्लीटली कवर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, ना कि बस केवल तैयारी 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 करनी है। हमें ऐसे पढ़ना है, हर तरह के प्रॉब्लम्स ऐसे आपने क्वेश्चन देखा और बस वो प्रॉब्लम्स ऐसे लग जाए, ऐसा तभी होगा जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके लिए ट्रिक्स और मैजिक्स कुछ काम आते हैं, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, वो मेन बात है। ट्रिक्स और मैजिक्स तो प्रैक्टिस से बन जाते हैं कि इस तरह के सवाल में ऐसे कर देना ऐसे कर, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने एक्सपीरियंस का खेल होता है। पिछले 20 सालों में हम लोगों ने जो पढ़ाने का अपना एक अनुभव तमाम विद्यार्थियों के साथ जो शेयर किया है, उन्हीं को ट्रिक्स और मैजिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे, ना केवल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, एलटी ग्रेड के पूरे सिलेबस को। इसको मैंने देखा FeCN6-4-, Fe पे चार्ज कितना आ रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, अब Fe ऐसे हम लोगों ने याद किया, SC तिवारी वेरी कूल मैन बट फेकू, ऐसे फिंगर्स पे याद किया, SC तिवारी वेरी कूल मैन फेकू, है ना। Fe छठवां है तो इसमें 2d में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर d में 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 है, यहां चार्ज +2 आ रहा है, 6 में से 4 निकल गया, +2 आ रहा है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, d में 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने भर दिया, ये देखें d में 6 इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया। इसके बाद इस लिगेंड को देखा, लिगेंड स्ट्रांग है तो स्ट्रांग लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर्ड करता है, लिगेंड स्ट्रांग क्यों है, इलेक्ट्रॉन देने वाला आइटम कार्बन है, तो हमने क्या किया, इसको उठा के यहां पेयरिंग कर दी, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, है ना,
दो तीन चार पांच और छह, हाँ इसको उठा के यहां पेयरिंग कर दी, इसको उठा के यहां पेयरिंग कर दी, ये दो डी ऑर्बिटल खाली हो गए और इसका हाइब्रिडेशन लिख दिया डी टू एस पी थ्री, इसका हाइब्रिडेशन लिख दिया डी टू एस पी थ्री। इसमें अनपेड एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिख दिया डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बनाना है कि कोई भी एग्जांपल आ जाए, देखते ही उस एग्जांपल को हम सारे, उसके हाइब्रिडेशन, उसकी मैग्नेटिक नेचर, एक एग्जांपल सामने आ जाए तो अलग अलग से ढेर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे नॉमिनेचर कर लें, वहीं पे हाइब्रिडेशन कर लें, वहीं पे टी टू जी और ईजी में इलेक्ट्रॉन भर लें, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो जाए, वहीं पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कर दें। भाई सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? छह, कोऑर्डिनेशन नंबर छह है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या, ये हो गया दो। वर्नर थ्योरी कंप्लीट। मतलब तीन लेक्चर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसा पढ़ना है कि सारे प्रश्न ओरली लगना शुरू हो जाए, मुंह जबानी, आपको बैठ के इलेक्ट्रॉन गिनने की आवश्यकता ना पड़े। ये ना हो कि Fe का परमाणु संख्या 26 और इसका 25 और 24 जोड़ने में ही हम समय लगा रहे हो, क्वेश्चन देखें और कितना फटाफट हाइब्रिडेशन निकाल लिया, पेयरिंग कर ली, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कर लिया, टी टू जी और ईजी में इलेक्ट्रॉन भर लिया, ये सारे इलेक्ट्रॉन टी टू जी में चले जाएंगे, टी टू जी में 6 हो जाएगा और ईजी में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सब कर लिया हम लोगों ने, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वर्नर थ्योरी से निकाल ली। तो ये सब कैसे पढ़ना है सिस्टमेटिकली कि क्वेश्चंस आसानी से निकल जाए। तो अब एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ध्यान देंगे, कुंवर बेचैन साहब आपसे कहते हैं किसी काम को करने की चाहें पहले आती है, जैसे बच्चे को गोदी लेना हो तो बाहें पहले आती हैं, हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। एग्जामिनेशन को निकालना, उसमें सक्सेस पाना, वो आपकी मंजिल है, और टारगेट ऑन के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करना, ये आपकी राहें हैं। तो हम आपके साथ प्रिपरेशन की उन राहों पे चलने के लिए तैयार हैं, पूरे संकल्पित हैं, हम समर्पित हैं आपको मेरे साथ, उसी भावना के साथ, उसी सकारात्मक अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को शुरू करनी है। और मैं सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित करता हूं, आइए हम सब मिलके इतनी बेहतरीन प्रयास करें कि एलटी ग्रेड की परीक्षा में आने वाले सारे टॉप रैंक को हम लोग कब्जा करें, सारे टॉप रैंक पर अपना हम लोग नाम लिख दें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपनी तैयारी को बहुत जल्दी ही गति देंगे और बेहतरीन शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।